आज बना रहे हैं गुलदाना, जो कि उड़द की दाल की पकौड़ियाँ बनती हैं, बहुत छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनती हैं, उसको चाशनी में डालते हैं, उसको गुलदाना बोलते हैं। और काफ़ी लोग बेसन की पकौड़ियों को भी गुलदाना बोलते हैं। ये उड़द की दाल की पकौड़ियाँ हैं और छोटी छोटी साइज़ की बनाते हैं इसको। आप चाहें तो बड़े साइज़ की भी बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सौम्या, सौम्याज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। गुलदाना बनाने के लिए चाहिए 1/3 कप उड़द की दाल ली है, उसको 3 घंटे के लिए भिगो दिया था, भीग करके अच्छी तरीके से धो लिया है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। 1 कप चीनी लेंगे और 3/4 कप पानी लेंगे। सबसे पहले दाल को पीस लेंगे। 1 मिक्सी का जार लेंगे, मिक्सी के जार में दाल को डाल देंगे और दाल में कम से कम पानी डाल करके दाल को पीस लेंगे। एकदम महीन पेस्ट बना लेंगे दाल का। दाल का एकदम महीन पेस्ट बना लिया है और पानी कम से कम डाल करके दाल को पीस लिया है। दाल को एक बॉल में निकाल लेंगे। दाल को एक बॉल में निकाल लिया है। अब पहले चाशनी बनाने के लिए रख देते हैं। गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, इसमें डालेंगे 1 कप चीनी और 3/4 कप के करीब पानी। जो चाशनी है वो एक तार की नहीं चाहिए, चिपकने वाली चाहिए, जैसे कि हाथ में जब चिपकने लगे चाशनी, एक तार की चाशनी बनने से पहले ही चाशनी तैयार हो जाएगी। हल्का सा मिक्स करते हुए चीनी को गला लेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे चाशनी को, जिससे कि चीनी नीचे कढ़ाई में ना लगे। चाशनी को टाइम लगेगा बनने में, जब तक दाल को फेंट लेते हैं। दाल को अच्छे से हाथ से फेंट लेंगे, जिससे कि एकदम फूल जाए दाल। चाशनी को बीच बीच में चलाते रहेंगे, दाल को इस तरीके से फेंट लेंगे। उड़द की दाल बहुत ही जल्दी फिट जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उड़द की दाल को फेंटने में। 2 से 3 मिनट में उड़द की दाल बहुत ही अच्छी तरीके से फिट जाती है, फूल जाती है। 1 चम्मच या 2 चम्मच पानी डाल लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। आप देख सकते हैं धीरे धीरे एकदम दुगनी होने लगी है दाल फूल करके। 1 टीस्पून के करीब पानी मिलाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती है जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करती हूँ। अगर आपको देखना है कि आपकी दाल फिटी है या नहीं तो आप थोड़ी सी एक दाल का इस तरीके से एक पकौड़ी टाइप से पानी में डालें और पानी में अगर ऊपर तैर रही है तो दाल अच्छी तरीके से फिट चुकी है। देखिए आप, ऊपर तैर रही है दाल, ये अच्छी तरीके से फिट चुकी है। इसको इसी में डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं। अब चाशनी को देख लेते हैं, चाशनी तैयार हो गई है कि नहीं। चीनी गलने के बाद करीब 2 से 3 मिनट और पकाना पड़ता है इसको। अब चाशनी उबल रही है, इसमें डाल देंगे इलायची, जिसको कि तोड़ लिया है, इस तरीके से पीसा नहीं है, केवल इलायची को तोड़ लिया है। अब चाशनी में डाल देंगे 2 से 3 बूंद नींबू के रस की, जिससे कि जो चाशनी है वो क्रिस्टलाइज ना हो, जिससे कि चीनी उसमें जमे ना। चीनी गंदी है तो आप उसमें थोड़ा सा दूध डाल करके और उबाल लें, फिर चाशनी के ऊपर सारी गंदगी आ जाएगी तो आप उसको हटा कर चाशनी को एकदम क्लियर कर लें। आप देख सकते हैं इस तरीके से चाशनी चिपक रही है, एक तार की चाशनी नहीं है, चाशनी बन करके तैयार हो गई है। चीनी उबलने के बाद 2 से 3 मिनट चाशनी को उबालना पड़ता है और चाशनी तैयार हो जाती है। घी को गर्म करने के लिए रखेंगे। आप चाहें तो ऑयल में भी पकौड़ियों को तल सकते हैं। घी गर्म हो गया है, अब इसमें छोटी छोटी पकौड़ी डालेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं घी गर्म हुआ है या नहीं। अभी कम गर्म हुआ है घी। जैसे आपने एक बार पकौड़ी सेक ली, फिर दूसरी बार पकौड़ी जब कढ़ाई में डालते हैं तो एक बार दाल को इस तरीके से ज़रूर से फेंट लें, उसके बाद पकौड़ियों को डालें। आप देख सकते हैं घी गर्म हो गया है, पकौड़ी फूलने लगी है। अब इसमें छोटी छोटी पकौड़ियों को डाल देंगे। साइड से पकौड़ी डालने से पकौड़ी के अंदर जो गांठ होती है वो नहीं पड़ती है, जो कड़ी कड़ी गांठ सी पड़ जाती है कभी कभी पकौड़ियों में, वो नहीं पड़ती है साइड से पकौड़ियाँ डालने से। तो आप कोशिश करें बिल्कुल साइड में ही पकौड़ियाँ डालें, जितनी पकौड़ी एक बार में आ जाएंगी उतनी पकौड़ी डाल देंगे।
पकौड़ियाँ एक दूसरे से चिपक जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे पकौड़ी सिकती जाती हैं वैसे वैसे आप कलछी से अलग करते जाएं, पकौड़ियाँ बहुत ही आसानी से अलग हो जाती हैं। आप देख सकते हैं गैस को मीडियम हीट पर कर देंगे। मीडियम हीट पर करने के बाद पकौड़ियों को गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। इस तरीके से मिक्स करते हुए उलट पुलट करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे पकौड़ियों को। पकौड़ी डालने के बाद गैस को एकदम मीडियम हीट पर कर देंगे जिससे कि पकौड़ियाँ अंदर से भी अच्छी तरीके से सिक सकें, क्योंकि दाल की पकौड़ियाँ अगर कच्ची रह जाएंगी तो वो अच्छी नहीं लगेंगी खाने में। आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो गई हैं पकौड़ियाँ। पकौड़ियों को प्लेट में निकाल लेंगे। और इस तरीके से हल्का सा मिक्स करते हुए पकौड़ियों को डालेंगे फिर से। आप देख सकते हैं पकौड़ियाँ सिक गई हैं। पकौड़ियों को प्लेट में निकाल लेंगे। सभी पकौड़ियाँ बन चुकी हैं। अब चाशनी को हल्का सा गरम कर लेंगे। वैसे भी गरम ही है चाशनी, ज़्यादा ठंडी नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा सा और गरम कर लेंगे और चाशनी में जो पकौड़ियाँ बनाई हैं उनको डाल देंगे। एकदम ठंडी चाशनी में पकौड़ियों को ना डालें, नहीं तो जो रस है वो पकौड़ियों के अंदर नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं चाशनी गर्म हो गई है। गैस को बंद कर देंगे। पकौड़ियों को करीब आधे घंटे के लिए इसी तरीके से रखा रहने देंगे जिससे कि पकौड़ियों में चाशनी है वो अच्छी तरीके से भर सके। एक दो बार बीच में इस तरीके से चला देंगे। गुलदाना बन करके तैयार है। आधा घंटा हो गया रखे हुए और बहुत अच्छी तरीके से इसमें रस भर चुका है, आप देखेंगे। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। आप चाहे तो ठंडी, आप चाहे तो गर्म, जैसे चाहें वैसे सर्व कर सकते हैं इनको। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितना अच्छा कलर आया है। इस तरीके से गुलदाने को एक बॉल में करके सर्व करेंगे। थोड़ी सी केसर डालना चाहें तो आप केसर भी डाल सकते हैं इस पर, और आप चाहें तो चाशनी में भी केसर डाल सकते हैं थोड़ी सी। झटपट गुलदाना तैयार हो गया है और बहुत ही टेस्टी बना है। आप एक बार ज़रूर बना करके देखें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। स्टे हैप्पी एंड कीप कुकिंग। थैंक यू। और ऐसी ही नई रेसिपी देखने के लिए देखते रहिए सौम्याज किचन। बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।